तो किसानों ने आज भारत बंद बुला रखा है। किसानों के भारत बंद की वजह से देश में अलग अलग जगहों से जाम की तस्वीरें आ रही हैं। घर से अपने बाहर निकले लोग, दफ्तर जाने के लिए किसी और काम से निकले, वो जाम में फंस गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, हर तरफ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं जाम की वजह से लोगों को हो रही परेशानी के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा, जाम में फंसे लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है किसानों की तरफ से। एक तरफ भारत बंद है, दूसरी तरफ सियासत तेज है। विपक्ष सरकार को किसानों को लेकर घेर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन्होंने सीधे बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है किसानों के मुद्दे को लेकर। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, वो विपक्ष की वार का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष जो है वो बंजर जमीन पर खेती की कोशिश कर रहा है किसानों के कंधे के जरिए। तो आगे आपको भारत बंद पर सियासत किस तरीके से हो रही है विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि कैसे भारत बंद की वजह से जो आम लोग हैं वो मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ गई आज के दिन। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के पास कोंडली पर मौजूद हैं। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि किसानों ने आज बंद का आह्वान किया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। ताहिर जी, बताइए कितनी देर से परेशान हो रहे हैं आप? मैं आधा पौन घंटे से परेशान हो रहा हूँ। खाली इसी फ्लाईओवर के आगे पीछे घूम रहा हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और मेरा काम HDFC बैंक में ATM का काम है और हमें 10 बजे साइड पर पहुँचना होता है, लेकिन अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी हम यहीं पर ही हैं। तब के यहाँ से जाने के लिए हमें आधा घंटा और चाहिए अगर रोड खुला हो तो। हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारे कॉल पे कॉल आ रहे हैं, बैंक से भी कॉल आ रहे हैं और हमारी कंपनी से भी कॉल आ रहे हैं, तो इसीलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। दिक्कत और परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। कोई उम्मीद लग रही है आपको पहुँच पाएंगे आज? नहीं, आज तो उम्मीद नहीं लग रही है। अगर ये आंदोलन यहाँ से नहीं हटता है तो हम नहीं जा पाएंगे आज। सिर्फ ताहिर ही परेशान नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनको अपने घर पे जाना है, किसी को काम पर जाना है। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को यू टर्न करना पड़ रहा है इस हाईवे पर। इस हाईवे पर जो यू टर्न है वो भी बिल्कुल पास में नहीं है, तो लोग लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह पर नहीं पहुँच पा रहा है। आंदोलन 4 बजे खत्म होगा और उसके बाद ही लोग अपने जगहों पर पहुँच पाएंगे। कैमरा सुंदर कुमार के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली। दरअसल ये जो भारत बंद है इसकी वजह से दिल्ली में DND पर ट्रैफिक जाम लगा, लोग फंसे रहे। दिखाते हैं आपको लोगों की परेशानी समझती हुई मदीहा खान की रिपोर्ट। आज पूरे भारत में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और उसका साफ असर राजधानी दिल्ली पे देखा जा रहा है। इस वक्त हम हैं डीएनडी पर मौजूद और डीएनडी पर किस तरह से ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की जो गति है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये पीक आवर है, ऑफिस जाने का समय है और जाहिर सी बात है मंडे है तो ज्यादातर लोग जो है ऑफिस जाने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? और आज तो ट्रैफिक जाम है, भारत बंद का ऐलान किसानों ने करा है, कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है। आई हैव टू गो टू पार्लियामेंट स्ट्रीट, आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 आवर एंड माय पेट्रोल इज आल्सो गोइंग टू बी एम्प्टी, सो आई डोंट नो वेदर इट विल स्टॉप समवेयर ऑन द वे और आई विल गेट द पेट्रोल फ्रॉम देयर। कितने बजे से निकले हुए हैं सर आप घर से? आई मूव्ड अराउंड 9:30। देखिए यहाँ जो लोग हैं वो घर से काफी देर से निकले हुए हैं, ट्रैफिक जो है लग गया है। किसानों ने ऐलान तो कर दिया भारत बंद का, लेकिन उसका असर जो है जो आम लोग हैं उन पर काफी ज्यादा होता है। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, किसी को दफ्तर जाना है या किसी को किसी और जगह पहुंचना है, तो उन लोगों के लिए इस वक्त काफी बड़ी समस्या है क्योंकि जो रूट है वो काफी ज्यादा डाइवर्ट किया गया है। हालांकि बॉर्डर्स पर जो किसान है वो डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार चल रहा है और आज भारत बंद का असर इस वक्त साफ तौर से दिल्ली में देखा जा रहा है, जिससे लोगों को समस्याएं भी हो रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मध्य ABP न्यूज, दिल्ली। तो ये DND से आपने रिपोर्ट देखी है। अब दिल्ली के अक्षरधाम आपको लिए चलते हैं, वहां भी भारत बंद की वजह से खासा असर दिखा। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते पर ट्रैफिक रिंगता हुआ नजर आया। मौके पर मौजूद ABP न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। किसानों ने आज किया है भारत बंद का ऐलान और इसका असर अब
दिल्ली आने और जाने वाले बॉर्डर पर जरूर देखने को मिल रहा है। हम फिलहाल मौजूद हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर, और यहाँ पर की बात करते हैं तो ये वो रास्ता है जो एक तरफ आपको जो है यूपी के गाजियाबाद की तरफ ले जाता है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद इंद्रपुरम होते हुए दिल्ली में दाखिल करते हैं। लेकिन देखिए, जो रास्ता अगर हम दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते की बात करते हैं तो एक लेन पे तो ट्रैफिक थोड़ा सा सही चल रहा है, लेकिन जो दूसरी लेन है उस पर गाड़ियां रेंग रेंग करके चल रही हैं और उस पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। उसी के आसपास पुलिस ने यहां पर जो है एक क्रेन भी हमको खड़ी नज़र आ रही है, बड़ी संख्या में बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं और पुलिस के कुछ जवान और गाड़ियां भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि कोशिश ये है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में रहें, इसकी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी। हालांकि भारत बंद का ऐलान किया गया है और दिल्ली में दाखिल होने की या इस तरीके की जो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए ये इंतज़ाम किए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अक्षरधाम की, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से गाजीपुर बॉर्डर जो है महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर राकेश टिकैत जो पिछले करीबन जो है 10-11 महीनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनके जो है उनके साथ में जो है सैकड़ों की संख्या में किसान आते जाते रहते हैं। तो फिलहाल आज की तारीख में क्योंकि भारत बंद का ऐलान किया गया है तो पुलिस ने उसको देखते हुए इंतजाम किए हैं, और इसी वजह से वो रास्ता जो कि अगर आप जो है गाजियाबाद या गाजीपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर तो आपको ज़रूर जो है ट्रैफिक जाम दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे रास्ते की, यानी कि अगर आप जो है अक्षरधाम से होते हुए गाजियाबाद या इंद्रपुरम या फिर आगे मुरादाबाद की तरफ जाना चाहते हैं तो उस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस ने पहले से ही निर्देश जारी किए हुए हैं कि इन रास्तों के इस्तेमाल से बचें। और बीच वाली लेन की बात की जाए तो ये लेन पूरी तरीके से बंद नज़र आ रही है इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ ही। तो कुल मिलाकर के असर देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक के हालात पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब जो इस वजह से भी है क्योंकि पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो ये दिल्ली एनसीआर का आपने हाल देख लिया। आइए अब आपको देश के दूसरे हिस्सों में लेकर चलते हैं, बिहार लेकर चलेंगे आपको। पटना के डाक बंगला चौराहे पर विपक्षी दलों ने किसानों के समर्थन में यहां प्रदर्शन किया। अच्छा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे राजनीतिक दलों के और प्रदर्शन करते नजर आए, रिपोर्ट देखिए जरा। किसान आंदोलन को बिहार में महागठबंधन की पार्टियों ने भी समर्थन दिया है, और जिसे लेकर आज 11 बजे से बिहार को भी बंद करने का आह्वान किया गया है। तस्वीरें क्या कुछ दिखा रही हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और लेफ्ट की पार्टियां आपको यहां नज़र आ रही होगी, और न सिर्फ लेफ्ट बल्कि यहाँ जो तमाम झंडे हैं इसमें मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकती हूँ, NSUI और इसके अलावा RJD जो कि बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर पहुंचे हुए हैं। ये पटना का सबसे बड़ा चौराहा कहा जाता है जहां चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, उसके बावजूद यहां पर जब बंद किया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो तस्वीरें यहां पर आपके सामने जो है वो फिलहाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे अब गांधी मैदान की तरफ पहुँच रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को देखिए, चूंकि ये तय किया गया था बैठक में कि आज के दिन भारत बंद को समर्थन देगी RJD, और वैसे ही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मैं जगदानंद सिंह को देख सकती हूँ यहाँ पर, जो कि तमाम लोगों को इस वक्त व्यवस्थित करने के लिए यहाँ सड़क पर खड़े हैं, और अभी कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर बैठ गए हैं। यानी पूरी तरह 11 बजे से जिस तरीके से बिहार बंद के समर्थन की बात की गई थी, अब तस्वीर जो है वो बड़ा रूप ले रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि आसपास में गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, और इसके अलावा पुलिस भारी संख्या में यहाँ तैनात है। आप पुलिस वालों को देख सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। इस तरीके की तस्वीर है यहाँ पर, आप ये लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग इस इलाके से दूसरी तरफ जा रहे हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। भारत बंद की तस्वीर अब बिहार में खास तौर पर पटना में भी व्यापक रूप से देखने लगी है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निश्री, ABP न्यूज पटना। तो ये पटना से आप रिपोर्ट देख रहे थे जहां किसानों के समर्थन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन था। अच्छा, ये जो बंद है इसके समर्थन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन किसानों ने अनिल चौधरी को यहां गाजीपुर बॉर्डर से बैरंग लौटा दिया। दरअसल अनिल चौधरी किसानों के बीच जाकर बैठे थे, लेकिन टिकैत की टीम के लोगों ने पूछा, क्या आप इसे कांग्रेस का आंदोलन मनाना चाहते हैं? इसके बाद अनिल चौधरी बाकी नेताओं के साथ वहां से उठे और चले गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो समर्थन करने आए थे, राजनीति करने नहीं आए थे।
एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने अनिल चौधरी से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, कांग्रेस समर्थन दे रही है, लेकिन आप लोग भी सड़क पर उतरे। देखिए 10 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पे हो गए, किसान हर जतन कर चुके हैं, राकेश टिकैत जी प्यार से हाथ जोड़ चुके हैं, किसान अपनी जमीन खोद के कवर बनाने का संदेश चुके हैं, ट्रैक्टर चला चुके हैं, तो सरकार सुन नहीं रही है। 3 काले कानून वापस लें, यही मांग किसानों की, और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से हाथ जोड़ के ट्रैक्टर चला के, राहुल जी भी रिक्वेस्ट और आगाह कर चुके हैं कि किसान जब नहीं मान रहे तो आप ये जबरदस्ती थोपे ना, यही मांग यही समर्थन देने आए थे किसानों को, यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही संदेश है। हाथ जोड़ के आम दिल्ली जनमानस से भी किसानों के दर्द को अंदाता के इस दर्द, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड पहले कहाँ चले गए, किधर जाना है बता दो। अगर कोई मीडिया वाले आप मुझे दिल्ली की तरफ जाएंगे, इधर से जाना है, समर्थन देने पहुंचे थे, बिल्कुल समर्थन, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, आज से नहीं दे रही, पार्लियामेंट से लेके सड़क तक कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, और इसीलिए भारत बंद की कॉल पे आज प्रशासन सरकारें जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज अपना समर्थन दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसानों ने विरोध दर्ज किया कि आप पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके आने से देखिए, मैं बिल्कुल उनका ये मैं परेशानी समझ सकता हूँ, विपक्ष जिस तरह से विपक्ष हथियार बनाने की कोशिश करता है किसानों का दर्द है, और मैं इसको बहुत अच्छे से महसूस करता हूं, लेकिन किसानों का मसला है, किसानों की बात है, कांग्रेस पार्टी सड़क पे अपना विरोध करेगी। तो कांग्रेस नेता अनिल चौधरी को आप देख रहे थे, इन्हें किसान आंदोलन से बेरंग लौटना पड़ा, क्योंकि किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया कि आंदोलन किसानों का है, वो उसको कांग्रेस का आंदोलन नहीं बनना देना चाहते। किसानों का जो भारत बंद है, इसके समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों के साथ भोपाल की करौद मंडी के बाहर धरना दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को मंडी में अंदर जाने से रोक दिया, इससे नाराज दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में हो रहे भारत बंद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह स्वयं भोपाल की करोड़ मंडी पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने की वो करोड़ मंडी आए हुए हैं, और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो यहां पर धरना दिया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी वो इस काम में लगे हुए कि यहां पे जितनी व्यवस्था है वो जरा सुचारू हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है, दिग्विजय सिंह तो हैं, उनके साथ सीपीआई सीपीएम के लोग भी हैं, और वो आप सबको संबोधित कर रहे हैं, और पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका हुआ है मंडी से, और इसलिए ये सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए मंडी पर ही धरना देकर बैठ गए हैं। भारत बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, सबकी अपील थी एकता मंच की, और एकता मंच की अपील की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस पूरे आंदोलन को संबोधित किया, उसके बाद अब यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग हैं, 13 राजनीतिक दलों के लोग यहाँ हुए हैं, कुल मिलाकर यहाँ एक बड़ा धरना दिया है, क्योंकि इन सब लोगों को मंडी में काम बंद करने के लिए जाने नहीं दिया गया। पूरे भारत बंद का मध्य प्रदेश में कोई बहुत असर तो नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ धरना देकर दिखा दिया कि इस कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने किसानों को एकजुट तो किया ही है। कैमरामैन हमें देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।